नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। राजौरी में दोहरे आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भाजपा कोर ग्रुप के साथ एक बैठक में प्रदेश की सुरक्षा स्थिति जानी। कश्मीरी पंडित अस्थाई कर्मियों के मुद्दे पर भी की चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू के उन्नयन के लिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर संबोधन में उन्होंने कहा कि हम हरित और समावेशी शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के डांगरी में गोली मारने से पहले आतंकियों ने की थी प्रिंस की जमकर पिटाई, मृतक की मां ने किया खुलासा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जारी, वहीं SHG रोड और मुगल रोड सभी तरह के वाहनों के लिए किया गया बंद। जम्मू कश्मीर में VDC को हथियारों का प्रशिक्षण देगी CRPF, आतंकियों से मुकाबले के लिए तैयार होगा दस्ता। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पीर पंजाल और बालटाल में हिमपात, श्रीनगर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर में देर रात सोमवार को राजौरी के मुरादपुर में संदिग्ध देखे जाने के बाद हुई फायरिंग, भाजपा नेता के घर पर हुआ पथराव। जम्मू कश्मीर के डांगरी में VDC के 100 नए सदस्यों ने थामे हथियार, आतंकी हमले के बाद महिलाएं बोली हम भी तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के डांगरी हमले में मारे गए दीपक का परिचित हिरासत में, आतंकी हमले के दौरान निकल गया था सुरक्षित। जम्मू संभाग में पानी की सभी टंकियों की जांच के आदेश, अखनूर में टंकी ढहने के बाद लिया गया संज्ञान। तो ये थे अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।